दोस्तों, आज हम उन महिला खिलाड़ियों में से एक खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने अपने अच्छे प्रदर्शन से न केवल महिलाओं का बल्कि पूरे राष्ट्र का, पूरे विश्व में नाम ऊंचा किया है। उस खिलाड़ी का नाम है वेदा कृष्णमूर्ति। दोस्तों, वेदा का जन्म भारत के कर्नाटक राज्य के कदुर नामक जगह पर सन 1992 में हुआ था। कदुर कर्नाटक राज्य के चिकमलूर जिले में एक छोटा सा गांव है। वहीं वेदा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा बेंगलोर के कैम्ब्रिज स्कूल से हासिल की है, जबकि अपनी आगे की पढ़ाई माउंट कैरमेल कॉलेज से की है। बेंगलोर में स्थित इस कॉलेज से वेदा ने कला में स्नातक किया है। वहीं वेदा को कराटे सीखने का भी काफ़ी शौक था और इस शौक को पूरा करने के लिए उन्होंने बेहद ही कम उम्र में कराटे भी सीख लिए थे। वेदा का परिवार कर्नाटक में ही रहता है और उनके परिवार में इनके माता पिता के अलावा एक भाई और दो बड़ी बहनें हैं। इनके पिता का नाम SG कृष्णमूर्ति है, जो कि एक केबल ऑपरेटर। वेदा का नाम भारतीय महिला क्रिकेट टीम में सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों की सूची में आता है। वहीं वेदा के खेलने के तरीके की बात की जाए तो वेदा दाएं हाथ से बल्लेबाजी करती हैं, वहीं दाएं हाथ से लेग ब्रेक शैली से गेंदबाजी करती हैं। वहीं वेदा का पसंदीदा शॉट स्ट्रेट ड्राइव है। कहा जाता है कि वेदा के क्रिकेटर बनने के सपने को पूरा करने के लिए इनके पिता ने अपने पूरे परिवार के साथ अपने छोटे से गांव को छोड़कर बेंगलोर जाकर बसना पड़ा था, ताकि वो अपनी बेटी के सपने को पूरा कर सकें। वहीं बेंगलोर शहर में आते ही वेदा को अपने सपना पूरा करने का मौका मिल गया और उन्होंने अपने पिता की इस कुर्बानी को बर्बाद नहीं जाने दिया। अपने पिता को एक महान क्रिकेटर बन के दिखाया। वेदा कर्नाटक महिला क्रिकेट टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। इसके अलावा उन्होंने रेलवे के लिए भी मैच खेले हैं। वेदा जब 13 साल की थी तब उन्हें कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिकेट में दाखिला लिया था। साल 2005 में अपना औपचारिक क्रिकेट प्रशिक्षण शुरू करने के कुछ सालों के बाद उन्होंने कर्नाटक राज्य की क्रिकेट टीम में अपनी जगह बना ली। वेदा ने साल 2011 में अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला था। ये मैच उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय टीम के विरुद्ध खेला था। इस मैच का आयोजन इंग्लैंड देश में किया गया था और अभी तक वेदा ने कुल 38 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच और 43 अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच खेले हैं। महिला बिग बैश लीग के 2017-18 के सीजन के लिए वेदा का चयन किया गया था। महिलाओं के होने वाले इस क्रिकेट लीग में वेदा को हॉवर्ड हरिकेन टीम द्वारा खरीदा गया था और इसी के साथ वो तीसरी ऐसी भारतीय क्रिकेटर महिला बन गई जिसको इस लीग में खेलने का मौका मिला है। साल 2015 में वेदा को भारतीय क्रिकेट नियंत्रक बोर्ड BCCI द्वारा बी ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट में शामिल किया गया। इसके साथ ही वह पहली ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई थी जिसको BCCI ने ये कॉन्ट्रैक्ट दिया था। हाल ही में वेदा पहली ऐसी भारतीय महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिसने सबसे कम उम्र में महिला अंतर्राष्ट्रीय एक दिवसीय मैच में 1000 रन बनाए हैं। तो दोस्तों, ये है वेदा कृष्णमूर्ति के बारे में कुछ अद्भुत जानकारियाँ। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। धन्यवाद।